आज बोकारो जिला में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम चरण निर्वाचन की सूचना प्रकाशन पत्र 5 के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया है। प्रथम चरण में कुल भूमिया एवं पेटरवार प्रखंड में 726 बूथ पर अर्थात 726 पंचायत के वार्ड मेंबर्स के लिए, 59 मुखिया पद के लिए, 72 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए एवं 8 जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान की प्रक्रिया की निर्वाचन की सूचना जारी की गई है। 18 तारीख से संबंधित जो निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्थापित किया गया है उससे अभ्यर्थी नामांकन निर्देशन की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। इस क्रम में फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी गठित कर दी गई है और थाना और प्रखंड को निर्देश दिया गया है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्टैटिक सर्विलेंस टीम भी बनाई जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा भी इसमें निर्धारित की गई है, जिस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है, जिसके माध्यम से वीडियो सर्विलेंस टीम, वीडियो व्यू टीम लगातार क्षेत्र में जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके एक्सपेंडिचर पे नज़र रखेगी। साथ के साथ जब नामांकन पत्र के लिए शुल्क के देकर नामांकन पत्र और संबंधित दस्तावेज जब लिए जाएंगे तो उसी के क्रम में जिला द्वारा प्रत्येक वस्तु और संसाधन की जो अप्रूव्ड रेट चार्ट है वो संबंधित अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा, जिससे उन्हें अपने आकलन करने में जो एक्सपेंडिचर की सुविधा होगी। कुल प्रथम चरण में 272,302 मतदाता हैं, जिसमें गोमिया प्रखंड में 172,211 और पेटरवार प्रखंड में 191 मतदाता हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।